नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू के नंबर्स दिख रहे हैं ये मिलियंस में हैं। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू देखें तो पिछले 5 क्वार्टर्स का हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू है। तो पिछले 5 क्वार्टर्स से यहाँ पे हमको रेवेन्यू में इनके ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी रेवेन्यू था 5,53,090 मिलियंस रुपीज़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ था। पिछले क्वार्टर में था 5,27,580 मिलियंस का, तो मिलियन रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमको क्वार्टर एंड क्वार्टर भी हमको ग्रोथ दिख रही है और ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं ऑपरेटिंग इनकम की बात करें हम, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम में क्वार्टर एंड क्वार्टर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी है 1,32,790 मिलियंस, वहीं पिछले क्वार्टर में था 1,21,860 मिलियंस। तो यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों हमको ऑपरेटिंग इनकम में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन्स की इनकी बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पे पिछले क्वार्टर में थे 23.1%, अभी 24% हैं। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर इस Q2 में इनके 25.6% थे, अभी 24% है। तो अराउंड 1.6% की डी ग्रोथ यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग मार्जिन्स में देखने को मिल रही है। और लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अभी नेट मार्जिन्स, नेट इनकम की हम बात करें तो नेट इनकम अभी है इनकी 1,04,310 मिलियन, और लास्ट क्वार्टर थी 94,780 मिलियंस। तो यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे लास्ट ईयर Q2 में थी 96,240 मिलियंस। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों ही पैरामीटर में हमको यहाँ पे TCS के इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट मार्जिन्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में थे 18% के मार्जिन्स, नेट मार्जिन इनके अभी हैं 18.9। तो यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है। लास्ट ईयर Q2 में थे 20.5% के यहाँ पे मार्जिन्स थे नेट प्रॉफिट मार्जिन, वहीं अभी 18.9% के यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है। अब यहाँ पे कैश फ्लो की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, लास्ट ईयर में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 99,450, लेकिन यहाँ पे अभी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे नेट प्रॉफिट्स इनके बढ़े हैं तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी इनके कैश फ्लो है 1,06,750 मिलियन रुपीज़, यहाँ पे हमको कैश फ्लो में भी बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू का कितना परसेंटेज यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, यहाँ पे देखें हम तो 74.39 लास्ट क्वार्टर में था, अभी 75.9, ऑलमोस्ट 76% यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है रेवेन्यू के। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए दिख रहे हैं कंपनी के। अभी हम यहाँ पे देख लें क्लाइंट्स का पैरामीटर, तो क्लाइंट्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट्स इनके बढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट क्वार्टर में थे 1,138, वहीं अभी 1,210। तो यहाँ पे क्लाइंट्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर करेंसीज़ वाइज इनका रेवेन्यू देखें हम तो फिर लास्ट ईयर इनकी यूएस डॉलर से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 52.86% था, वहीं ये 56.92% अभी बढ़ गया है। तो यहाँ पे इनको रुपी डेप्रिसिएशन का फ़ायदा इनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अदर करेंसीज़ का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं GBP और यूरो एंड अदर्स से कितना रेवेन्यू इनका आता है। यहाँ पे हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 8 रुपी पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है। यहाँ पे हमको सारे ही पैरामीटर्स पे कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है हमको, नेट प्रॉफिट पे ग्रोथ दिख रही है, क्लाइंट बेस इनका बढ़ रहा है। वहीं हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी यहाँ पे प्रॉपर जनरेट हो रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है हमको रिजल्ट्स पे, तो वो है ईयर ऑन ईयर इनके मार्जिन्स गिरे हुए हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मार्जिन्स पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे थोड़ी डी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। बाकी TCS के रिजल्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमको नज़र आ रहे हैं सारे ही पैरामीटर्स पे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।